बसमरिम अल्लामैम आज एक नए विलाग के साथ मैं हाज़िर हूँ और आ, सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है लेकिन आई बिलीव ये थोड़ी सी ही रह गई है सो इसको अच्छे से इंजॉय करें और इसको इंजॉय करते करते फ़ूड को भी इंजॉय करें क्योंकि विंटर्स में वैसे ही दिल करता है कि चाय के साथ खाने के लिए कुछ गर्म गर्म हो अच्छा जी ये मैंने चाय के साथ कुछ प्रपेयर किया था तो मैंने उसकी विलाग भी बना ली ये मैंने बनाए थे चिकन पटैटो एंड एग लॉलीज़ ठीक है और ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है आप किचन में हैं आप ये तीनों चीज़ें अच्छे से बॉईल कर सकते हैं और जस्ट उनको आप मिक्स करके फटाफट फट एक क्रिस्पी सी स्नैक रेडी करते हैं इसके लिए मैंने ले लिया था बॉयल्ड चिकन और मैश पटेटोज़ बॉयल करके मैंने ले लिए थे और फर्दर आई टुक बॉयल्ड एग्स दो एग्स लिए थे चार आलू थे थोड़ा सा फाइव टू तो सिक्स पीसिस ऑफ चिकन और मैंने चिकन को श्रेड कर लिया था और मैंने उसको एक बोल में डाल के उसमें मैंने मैश्ड पटेटोज़ डाल दिए और इसी के अंदर मैं बॉयल एग्स भी ऐड कर दूँगी तो जब ये मैंने तीनों चीज़ें आपस में मिक्स कर ली तो उसके बाद मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए तो सबसे से पहले मैंने इसमें नमक डाला एक चम्मच नमक और इट डिपेंड्स आप कितना डालना चाहते हैं और फिर मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया था फ्लैक पेपर के बाद आई एडिड लिटल ज़ीरा आधा चम्मच चीज़ मसाला आप डालना चाहें डालें बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में से ज़रा एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है अदरवाइज़ इट्स नॉट कंपलसरी तिक्का मसाला है तिक्का मसाला कभी एक अच्छा फ्लेवर आता है क्रश्ड मिर्च डाली थी मैंने और चॉप्ड ग्रीन चिल्लीज़ इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था एंड हार्डली बिलीव मीट टुक आई फील ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स टू जस्ट प्रिपेयर द होल थिंग ये मेरे प्रपेयर हो गई थी लॉलीज़ और फिर मैंने इनको अंडा लगा कर और ब्रेड क्रम्पस लगा कर फ्राई कर लिया था तो बहुत ही मज़े की और आप लोग ये बना सकते हैं शाम के टाइम भी इवन आप इसको ब्रेड पे लगा के बच्चों को भी दे सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कुछ पड़ा हो सेव हो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं वन वीक के लिए तो मैंने इसको ब्रेड क्रम्प्स लगा लिए थे और उसके बाद मैंने इसमें अंडा लगा के इसको रेडी कर लिया था और दोबारा एक दफ़ा मैंने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाए थे ताकि ये और क्रिस्पी और मज़ेदार बने और इसको मैंने फ्राई कर लिया था ये सब ये जब फ्राई हो गए तो आप देखें कि ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही डिलीशियस लॉलीज़ तैयार हुई थी एंड द फ्लेवर ऑफ़ टिक्का चिकन एंड पटेटोज़ इट गिव्स अमेजिंग टेस्ट के अदर ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कोई अच्छी सी डिप्स अच्छी सी सॉसेस के साथ इसको ट्राई करें एंड बिलीव मी यूल इन्जॉय दिस और ये बच्चों को भी दें ओबियसली इट्स हेल्दी एज़ वेल तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा थैंक यू सो so मच आपको आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़